वेल, अगर आप लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाले गए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर ब्लड लाइन के फ्यूचर प्लान को लेकर बात करेंगे। गाइज, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली ब्लड लाइन में रोमन रेक्स और सोलो सकुआ के बीच में सिविल वॉर चल रहा है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिविल वॉर के अंदर हमें यहाँ पर रोमन रेक्स और सोलो सकुआ फाइनली बैड ब्लड के ऊपर टैग मैच में पहली बार आमने सामने देखने को मिलेंगे। बट गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड के ऊपर सोलो सकुआ और रोमन रेंस के टैग मैच में फेस ऑफ करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन दोनों का अगला मैच कंपनी यहां पर पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज पर करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कंफर्म माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम के ऊपर हमें यहां पर ब्लड लाइन का सिविल वॉर देखने को मिलेगा, जहां पर सोलो सकुआ उनके ब्लड लाइन के मेंबर तमा तोंगा तोंगा लुआ जेकब फातू के साथ रोमन रेंस के ब्लड लाइन को फेस करेंगे, और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर रोमन रेंस उनके ओरिजिनल ब्लड लाइन का रियूनियन कर सकते गए, जहां पर रोमन रेंस जिमी उसो जे उसो और सैमी जेन के साथ पॉसिबली उनका रियूनियन करेंगे, और हमें यहां पर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर 4-on-4 वॉर गेम देखने को मिलेगा। बट देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर यहां पर वॉर गेम करते गए तो क्या वॉर गेम के अंदर ब्लड लाइन के न्यू मेंबर शामिल होते हैं या नहीं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 4 महीनों तक हिको लियो के कॉन्ट्रैक्ट में साइन होने के बाद हिको लियो यहां पर ब्लड लाइन पर डेब्यू करते हैं या नहीं। तो वहीं जिला फातू के लगातार सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेब्यू को टीज करने के बाद जिला फातू ब्लड लाइन पर डेब्यू कब करते गए, और गाइस यहां पर इस पूरे ड्रामे की एंडिंग के ऊपर द रॉक यहां पर जब शो पर रिटर्न करते गए तो वो यहां पर रोमन रेंस और सोलो सकुआ में से किसकी ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करते गए, और गाइस लगातार सोशल मीडिया के ऊपर रिकीसी के ब्लड लाइन को लेकर बात करने के बाद रिकीसी यहां पर ब्लड लाइन पर कभी इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। वेल, डेफिनेटली यहां पर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन WWE की हॉटेस्ट स्टोरी लाइन होने वाली है।